नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शुक्रवार की रात जमनिया कोतवाली पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक संतोष कुमार, हेड कांस्टेबल बालेंद्र कुमार, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, कांस्टेबल बलवंत सिंह, कांस्टेबल रत्नेश कुमार और कांस्टेबल गोविंद निर्मल रात में करीब 10:45 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनिया गेट पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान क्षेत्र के हेतिमपुर गांव निवासी श्याम सुंदर उर्फ अलगू बिंद को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से 12 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्त में आए बदमाश के खिलाफ स्थानीय थाना सहित वाराणसी में आपराधिक मामला दर्ज है। अभियुक्त का संबंधित धाराओं में चालान करके जेल भेज दिया गया है। नवरात्र के अवसर पर रेवतीपुर क्षेत्र के नगदिलपुर गांव स्थित बक्सू बाबा धाम व ओम श्री बक्सू बाबा सैनिक एकेडमी के प्रबंधक विनोद गुप्ता के द्वारा अलग अलग गांव के सामान्य पिछड़ा व अनुसूचित जाति की सभी वर्गों की 21 कुमारी कन्याओं का विधिवत पूजन किया गया। सबसे पहले उनका पैर धोकर बैठाया गया। इसके बाद धूप दीप से चुंदरी देकर पूजन किया गया। तत्पश्चात उन्हें थाली में पूड़ी, सब्जी, मिठाई आदि व्यंजनों का भोजन कराया गया। दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया गया। इस मौके पर प्रबंधक विनोद गुप्ता ने कहा कि नारियों के पूजन का बहुत ही महत्व है। खास तौर पर नवरात्रि में कुमारी कन्याओं का पूजन कर भोजन कराना चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। इन्हें देवी का अवतार माना जाता है। इस अवसर पर बाचा पांडे, गौरी शंकर यादव, खेसारी राम सिंह आदि मौजूद रहे। मर्दा थाना परिसर में रामलीला व दुर्गा पूजा को लेकर पीस कमेटी की बैठक गणमान्य लोगों के साथ ही शनिवार को हुई। इसको संबोधित करते हुए उप जिलाधिकारी कासमाबाद भारत भार्गव ने कहा कि इस वर्ष सार्वजनिक स्थान पर कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा, चाहे वो दुर्गा पूजा हो या रामलीला। अगर किसी को उक्त कार्यक्रम करना होगा तो प्रदेश सरकार व जिलाधिकारी द्वारा गाइडलाइन के अनुसार करेगा। उसके लिए 4 फीट से कम की मूर्ति, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पानी के साथ साथ आने जाने के लिए अलग अलग द्वार होंगे तथा कार्यक्रम स्थल पर 10 वर्ष से कम के बच्चों व 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा। रामलीला में भी 100 लोगों से अधिक दर्शक नहीं होंगे तथा एक दूसरे की दूरी 6 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। सारे निर्देश मानना अनिवार्य होगा, अन्यथा न मानने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस मौके पर दुर्गा पूजा समिति व रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों तथा ग्राम प्रधानों व समस्त नागरिकों के साथ ही क्षेत्राधिकारी महिपाल पाठक, रामवचन सिंह, जयप्रकाश सिंह, शशि प्रकाश सिंह आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश भारतीय किसान सभा गाजीपुर के कासमाबाद ब्लॉक इकाई संगठन किसान सभा की बैठक वेद बिहारी पोखरा परिसर में शनिवार को हुई। इस मौके पर पूर्व विधायक व प्रदेश महामंत्री राजेंद्र यादव ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए कहा कि समय किसान सरकार विरोधी नीतियों से परेशान है। उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है तथा आवारा पशुओं से भी किसान परेशान है। हकीकत में किसान भाई अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हुए ठगा महसूस कर रहे हैं। फिर भी गूंगी बहरी सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जनार्दन राम, महामंत्री अशोक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष राजदेव यादव, शंभू यादव, रामकेर यादव, दीना सिंह आदि मौजूद रहे। अंत में कोर कमेटी के निर्देशानुसार संजय राम को अध्यक्ष तो देवेंद्र यादव को उपाध्यक्ष किसान सभा कासमाबाद बनाया गया। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गाजीपुर सिटी प्रभारी निरीक्षक उदय राज, उप निरीक्षक गुलाब सरोज के साथ स्टाफ उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार रेलवे के आरक्षित ई टिकट को पर्सनल आईडी पर बनाकर बेचने वाले अवैध दलालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर कासिमाबाद कस्बा में स्थित नीरज ट्रैवल्स जनसेवा केंद्र पर छापेमारी की गई। इस दौरान अवैध रूप से रेलवे के ई टिकट दलाली के संबंध में धरवार मोहल्ला निवासी संदीप गुप्ता और सोन बरसा निवासी धनंजय शर्मा को IRCTC की साइट पर पर्सनल यूजर आईडी बना कर रेलवे टिकटों का अवैध व्यापार करना पाए जाने पर रेलवे अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में रेलवे सुरक्षा बल गाजीपुर सिटी से बुद्धन राम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद गुफरान, हेड कांस्टेबल रमाकांत पांडे, हेड कांस्टेबल संजय कुमार राय, हेड कांस्टेबल नागेंद्र शुक्ला, कांस्टेबल नमित कुमार राय, कांस्टेबल वासुदेव आदि शामिल रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।